एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज और एक नए दिन की शुरुआत होगी है। आज है संडे और आज हमारे पड़ोस में है एक फंक्शन। लंच पे बुलाया है हमें यहाँ पे। पहले इलेक्शन जब हुए थे तो वहाँ पे पंच के लिए नॉमिनेट हुए थे वो, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पार्टी नहीं दी थी, तो अभी वो पार्टी होने वाली है तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं वहाँ पे, और हम सभी जा रहे हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ रोड में पहुँच गए हैं, सारी सवारी बैठ गई है अंदर और अब हम भी चलते हैं। फटाफट से बैठ जाओ, तुम दोनों बैठो, यहाँ मैं बैठती हूँ। यहाँ पे देखो ये सारे हम मिल के जा रहे हैं, इतने सारे। पन्नू की मम्मी है, दीदी है, ये है वो मास्क लगाने वाले मास्क से मुँह छुपाने वाले, और हम सब जा रहे हैं। चल पड़े हैं, गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है। अनुराग भी तुम किसको ढूंढ रहा है पीछे पीछे। और हम यहाँ से निकल गए हैं, अब आगे यहाँ से थोड़ा सा हम पैदल जाएंगे आगे तक, और आगे से फिर गांव के लिए ऊपर को रास्ता है सीढ़ियों से, तो वहाँ तक सीढ़ियों तक पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपको वहाँ से, दिखाएंगे आप आगे का रास्ता। कैसी लग रही है रूप? मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है ना, जब सब लोग ऐसे साथ में होते हैं, सब धूप धाप सब उसमें होता है ना, मज़ा आता है। तो यहाँ से आई ये सीढ़ियाँ, यहाँ से ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे हम। पर यहाँ पेड़ है, काफ़ी पेड़ लगे हुए ऊँचे ऊँचे, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी हमको। यहाँ हम पहुँचे आधे रास्ते में, अभी चढ़ाई है थोड़ी चलने के लिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पे एक छोटी सी नहर है, देखो सिंचाई करने के लिए लोगों को पानी मिलता है इससे। नहर में काफ़ी ठंडा पानी है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप कैसे आम के पेड़ ही पेड़ है, काफ़ी सारे बड़े बड़े। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। और तो ये हमारे गाइड आगे आगे जा रहे हैं, पता हमारे को किसी को भी नहीं है कि कहाँ जैसे जाना है। और ये नहर के ऊपर से होता हुआ रास्ता देखो, कितना अच्छा रास्ता बनाया है यहाँ पे। पीछे आ रहे हैं सभी, धीरे धीरे चल रहे हैं सभी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं हम आपको उनके घर में पहुँचकर, पहुँचने ही वाले हैं शायद। गर्मी लग रही है इसलिए अनुराग पानी में खेल रहा है। मेरे ऊपर मत फेंकना, मैंने बता दिया, और अपने गंदी बात है। यहाँ से नीचे सीढ़ियों में उतरना है हमारे को, और पहले ऊपर आए फिर नीचे को। पहाड़ी रास्ते ऐसे ही होते हैं, पहले ऊपर को आओ फिर नीचे जाओ। और ये देखो यहाँ पे पुराना घर कैसे होते थे, पहले घर ऐसे होते, स्लेट की छत वाले घर। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पे गाने चल रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फंक्शन वाले घर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने तो पहुँचते ही सबसे पहले 2-3 गिलास पानी पिए, और उसके बाद बैठ कर ठंडा वगैरह पिया। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, सभी लोग जो चाय पानी टिक्की वगैरह का आनंद ले रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब फंक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि जो हमारा जिनका फंक्शन था उनको माला वगैरह सभी ने डालनी थी, उनका स्वागत वगैरह करना था, तो लोग वेट कर रहे थे।
हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। यहाँ देखो पेड़ में क्या लगी है, बादाम, कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम मिल गया, कच्चा बादाम। लोग पूरी पूरी जिंदगी में, पूरी सर्दियों में बादाम बादाम ढूंढ रहे थे, आज इन्होंने खोज कर दी है कच्चा बादाम की। कच्चा बादाम ये देखो क्या दिखा रहे हैं, ये भी हम बचपन में बहुत खाया करते थे। आपने खाए नहीं सर? अभी ये पका नहीं अच्छी तरह, ना लाल हो जाता है पकने पे। हाँ बहुत मीठा होता है, पीले वाला भी होता है ना, लाल वाला भी होता है। ये पक गया पूरा? हाँ पक गया है। ये देखो यहाँ पे रीठा है, ये रीठे का पेड़ है। बचपन की यादें ताजा कर, खिलौने मिल रहे, अब खेलना पड़ेगा घर में जाके। हम यहाँ रोड में पहुँच गए हैं वापस, अब गाड़ी में बैठते हैं और फिर मिलते हैं घर को। यहाँ अनुराग और देवेंद्र बैठे हैं और हम बैठे हैं यहाँ पीछे चार लोग। तो हम सब यहाँ पहुँच गए हैं, अब जाएंगे हम कलावती दीदी के घर और वहाँ पियेंगे चाय पानी नाश्ता। ठंडे की बोतल ले लो, ठंडा पानी ठंडा पीएंगे।